दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। बार बार आप पूछ रहे हो कि मेडिकल हमारा कैसा होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है, खास करके कलर ब्लाइंडनेस का लेकर के और कैरिंग एंगल जो हाथ का होता है 15 डिग्री, उसके बारे में बार बार आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो उससे पहले ये एक भाई है जो पूछ रहा है हमसे कि सर दोपहर में खाने के बाद और रात में खाने से पहले के बीच में कितना टाइम मिलेगा। तो दोपहर आपका जो होगा इंडोर क्लास के बाद लगभग 1:35 में होगा, हमारा 1:35-30 ऐसे घटता बढ़ता रहता है टाइम सर्दी और गर्मी के हिसाब से, 5-10 मिनट। खाना खाने के लिए आपको 1:30 बजे छोड़ दिया जाएगा, फिर 2 बजे तक आप फ्री या 2:15 तक मान सकते हो, और इसके बाद आपको 3:30 बजे वापस से फॉल इन होगा दूसरे क्लासेस के लिए। 40-40 मिनट का 2 पीरियड होगा शाम को, फिर थोड़ा और भी कुछ वर्किंग या कुछ और काम रहेगा, कुछ क्लास हो सकता है या उस बीच में कुछ इंटरटेनमेंट भी हो सकता है, गेम भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर रोल कॉल होगा, रोल कॉल भी काफ़ी लंबा समय चलता है। फिर खाने का टाइम 7:30 बजे से लगभग कुछ टाइम तक आप जितने देर तक ख़त्म कर सके अपना, मान के चलो 8 से 8:15-8:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा टाइम आपका है, ठीक है। अब आते हैं सीधा सीधा मेडिकल पे। तो देखो मेडिकल जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। जो भी देखना था उनको कैरिंग एंगल या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो भी देखना था हो चुका है। अभी वो परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है। जाओगे आप नॉर्मल, वो कलर ब्लाइंडनेस तो देखेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, सुन लो। हमारे समय क्या हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस का 3-4 केस हुए थे ऐसे जो मतलब घबरा गए थे। तो बिल्कुल घबराना नहीं, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको घर नहीं भेज सकते अब, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो कि आप घर नहीं जाओगे, किसी भी तरह से आप ज्वाइन करोगे ही, ठीक है। तो कल ब्लाइंडनेस में क्या हुआ था, हल्का वो घबरा गए थे, और डॉक्टर भी बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा उस वक्त आरटीसी बड़वा में, अभी हालांकि वो नहीं है वहाँ पे। तो वो क्या वापस से चले गए घर कुछ दिन में, और फिर दिल्ली से फिट होकर के आए, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन वो सारे वापस आ गए, ठीक है। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, हालांकि घबराने के बाद भी ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो निकाल देंगे, 2-3 मौका देंगे आपको, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के अलावा आपको कोई समस्या नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी खुद का एक बताता हूँ आपको, मेरे समय में क्या हुआ था, जैसे कुछ लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट वाले थे, ठीक है। सुसाइड अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं मरने के लिए, ठीक है, नस वस काट लेते हैं, हाथ पैर काट लेते हैं, जहाँ पे ऐसे हाथ में यहाँ पे होता है जो, वैसे कर लेते हैं, तो उनको भी रीमेडिकल के लिए भेज देता है। तो बेहतर ये होगा कि आप समझ रहे हो कि टैटू भी वहीं पर होता है, आप चाहो तो उससे बच भी सकते हो, ठीक है। हालाँकि ये अनऑफिशियल है आपके लिए, लेकिन आप इससे बच सकते हो अगर ऐसे केसेस हैं तो। वापस सारे वापस आ गए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है। एक दोस्त था मेरा उड़ीसा का, वो भी वापस आ गया अभी ट्रेनिंग सेंटर से, जब थोड़ा लेट हो गया था तो वो ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग वो उसकी बाद में हुई, अभी दूसरे यूनिट में है वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कोई केस हो जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाएगा कि आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको पूरा टाइम देंगे, ठीक है। और रही बात की ट्रेनिंग कैसी होगी, तो ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छा होगा, आराम से होगा, कोई ऐसा नहीं, मतलब ट्रेनिंग इसलिए होती है कि ताकि आप जो आने वाले सिचुएशन है उससे उसको फेस कर सकें, ठीक है। तो वो उस काबिल आपको बनाएंगे, उसमें जितना भी रगड़ा घिसा होगा वो तो ठीक है, आप तो देखे ही होंगे विभिन्न जो चैनल है उसके माध्यम से, या अपने सीनियर या भाई बंधु जो होंगे आपके वो आपको तो ज़रूर बताएंगे, बताए होंगे भी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि मेडिकल में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, बस यही देखेंगे क्योंकि चोट वोट तो नहीं लगी ऐसे करके, ठीक है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।